बनारस में कांग्रेस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की छात्र संघ इकाई NSUI ने बनारस के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनावों में चारों पदों पर बाजी मारी है। वहीं AVP को इसमें करारी शिकस्त मिली है। यह दूसरा मौका है जब बनारस के अंदर AVP कोई लगातार दूसरा जो है छात्र संघ चुनाव हारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर अध्यक्ष पद पर जो है NSUI के कृष्ण मोहन शुक्ला, उपाध्यक्ष पद पर अजीत कुमार चौबे और महामंत्री पद पर शिवम चौबे और पुस्तकालय मंत्री पद पर आशुतोष कुमार मिश्रा ने जीत हासिल करी है। वहीं छात्र संघ चुनाव से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी AVP का बिल्कुल पत्ता साफ हो गया है। इसी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने NSUI को बधाई देते हुए कहा कि NSUI के सभी विजेताओं को बधाई, आपने घर में घुसकर भाजपा को मारा है सवास। वहीं पूरे मामले पर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर कहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव युवाओं का भाजपा को करारा जवाब है। उन्होंने कहा कि देश में अराजकता बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त युवाओं ने भाजपा को करारा जवाब दिया है, यह सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें पहले भी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में AVP का सूपड़ा साफ हो गया था। अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी के विमलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, जबकि NSUI को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी जिसमें उपाध्यक्ष और महामंत्री पद शामिल थे। उपाध्यक्ष पद पर संदीप पाल और महामंत्री पद पर प्रफुल्ला पांडे ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा पुस्तकालय मंत्री पद पर निर्दलीय प्रत्याशी आशीष गोस्वामी ने जीत हासिल करी थी। जुड़े रहिए SBN न्यूज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।